लीडिंग हेल्थ प्राइवेट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज एस्टर डीएम हेल्थ केयर। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स तो कंपनी के हैं ही, 110% का पिछले 5 साल से प्रॉफिट का सीएजीआर है, लेकिन इसको पोजिशनल तौर पर चुनने का कारण है अनिल जी जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर कल टेक्निकल चार्ट पर आते हुए नजर आया है। अनिल जी पिछले काफी समय का, इनफैक्ट काफी सालों का यहाँ पर एक ब्रेकआउट कल के सेशन में आता हुआ नजर आया एस्टर डीएम के चार्ट पर, जहां पर स्टॉक ने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस 180 रुपए का पार किया है, और एक वीकली और अगर मंथली चार्ट देखें तो यहां पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए नजर आया है। मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस ऑफ लेट अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे स्टॉक में देखने को मिली है, मेरा मानना है कि इस सेगमेंट के स्टॉक्स में अब एक दोबारा से नई रीरेटिंग होते हुए नजर आ सकती है, और स्पेशली जो कंपनी जो अच्छा करते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक पर काफी फेवरेबल है, 170 रुपए का महज एक छोटा स्टॉप लॉस है, 225 रुपए का हालांकि मैं टारगेट यहां पर एक मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, लेकिन अनिल जी मुझे ही लगता है कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, और 3x होने की कैपेबिलिटी इस स्टॉक में है जो इस स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है। तो एस्टर डीएम 225 के टारगेट के लिए और यहां पर 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाने की सलाह है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का HAL स्टॉक। अनिल जी देखिए 1110 रुपए के आसपास काम कर रहा है। देखिए फंडामेंटल पैरामीटर्स पे हम सभी जानते हैं कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ये कंपनी है। अनिल जी 26% का आरओसी ही है स्टॉक का, और डेटर डेज जो यहाँ पर है स्टॉक ने कंपनी के, वो यहाँ पर 172 दिन से घटकर अब सिर्फ 90 दिन के रह गए हैं, और टेक्निकल फॉर्मेशन भी अनिल जी पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। आपने इन लेवल्स के लगभग हाईस टेस्ट किए थे 1150 के, और लगभग तब से 5 से 6 महीने गुजरने के बाद भी स्टॉक ने इसी हायर रेंज में 50 से 60 रुपए में एक अच्छा कंसोलिडेशन गुजारा है, समय टाइम स्पेंड किया है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी एक्यूमुलेशन इस लेवल पर स्टॉक में देखने को मिली है। मानना है कि ये स्टॉक अब यहाँ से एक अपमूव दिखाने के लिए तैयार है। मोर इम्पोर्टेंटली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल है, 1050-1060 रुपए का एक वेल डिफाइंड टेक्निकल चार्ज पर स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। और मेरा ऐसा फर्मली मानना है कि स्टॉक जैसे ही 1150-1160 रुपए के ऊपर निकलेगा यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा, और उस कंडीशन में स्टॉक 1350-1400 रुपए तक की जो एक अपमूव है वो काफी जल्दी यहाँ पर दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मेरी तरफ से आज यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पिक है, जो कि मुझे लगता है कि 1350 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है।